ओम शांति। जानते हो ना, जितनी अंधियारी रात होती है उसके बाद उतना ही उजला दिन होता है। जितनी अधिक गर्मी होती है उसके बाद उतना ही अधिक ठंडक का एहसास होता है। संसार में अत्यधिक दुख के बादलों को देख करके घबराना नहीं, अपितु ये याद रखना कि अब सुख का सूर्य उदय होने वाला है। दुखों की इस काली अंधियारी रात को देख करके इस बात को अवश्य याद रखना कि अब सुख का सवेरा अर्थात सतयुग आने वाला है। अगर आप भी दुखों के इस कष्टप्रद समय में सुख के पलों का इंतजार कर रहे हो तो दो बातों को अवश्य याद रखो। पहली बात, इस संसार में अब ईर्ष्या और द्वेष से ऊपर उठ करके किसी से भी अपनी शत्रुता को त्याग दो और सभी को अपना मित्र बना करके सबको सहारा दो। और दूसरी बात, इस बात को हमेशा याद रखो कि जो भी घटनाएं हमारी आंखों के सामने घटित हो रही हैं, वो संपूर्ण रूप से कल्याणकारी हैं। अगर ये दुख नहीं होते तो शायद हमें परम पिता शिव परमात्मा की याद, भगवान की याद नहीं आती। इसलिए इन दुखों की भी बलिहारी है जो हमें भगवान की याद दिलाते हैं। अगर धन हमारे पास बहुत अधिक होता तो शायद हम पाप के कर्मों में उस धन को लगाते और ही अधिक पाप के भागी बन जाते। अगर हम बहुत अधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय होते तो शायद हम संसार के मान सम्मान में ही खो जाते। इसलिए साधारण होना और इस संगम युग पर दुखों और कष्टों का जीवन में आना भी बहुत अधिक श्रेयस्कर और शुभ है, जिस कारण से हमें परमात्मा की याद आती है। बस आज की कमेंट्री में एक ये संकल्प पक्का कर लो कि मैं भगवान के ही समान इस संसार का सहारा, संसार की सर्व आत्माओं को दुख से मुक्त करने वाला, कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला, सुख की अनुभूति कराने वाला फरिश्ता हूं। मैं लाइट के शरीर में चमकती हुई आत्मा फरिश्ता इस सारे संसार को सूर्य के समान हर पल हर क्षण बस प्यार, शक्तियां, आनंद, सुख और पवित्रता का वरदान देता जा रहा हूं। मेरे मस्तक से
लगातार सारे संसार को उसी तरह से सूर्य के समान किरणें मिल रही हैं, जिस तरह से काली अंधियारी रात की समाप्ति के लिए सूर्य का उदय होता है, मैं भी सूर्य के समान ही उदित होकर के सारे संसार को शिव की शक्तियां और वरदान दे रहा हूं। ये अभ्यास जितनी बार करोगे उतना ही स्वयं में असीमित ऊर्जा का अनुभव करोगे और आपसे सारी संसार की आत्माओं को सहारे का अनुभव होगा। ओम शांति।